चलो आज सुनाते हैं आपको भारत की तेज रफ्तार की एक छोटी सी दास्तां, जिसने बदल दिया नए भारत का रास्ता। आजादी के बाद भारत अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन चाल मानो बंधा हो कोई रुकावट का जाल। यह सिलसिला चलता रहा पूरे 67 साल। फिर देश ने तय किया, ऐसे नहीं चलेगा, दुनिया नहीं मानेगी लोहा जब तक तरक्की का दीप नहीं जलेगा। फिर न देखा आओ और न देखा ताओ, बस 2014 में कर दिया एक बड़ा बदलाव। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वही चाल अब तेज हो गई, मानो सालों की सुस्ती अचानक तरक्की का क्रेज हो गई। अब रेल लाइनों को ही ले लीजिए, पहले सालाना 1727 किलोमीटर की गति से हो रहा था निर्माण, और अब आ गई विकास की बाढ़। पता है कितनी है आज रफ्तार? 3035 किलोमीटर के पार। रेल के दोहरीकरण और चौड़ीकरण का भी ऐसा ही है अंदाज, पहले 1875 तो 5000 किलोमीटर है आज। और रेलवे लाइन का विद्युतीकरण 3038 किलोमीटर से बढ़कर 13687 किलोमीटर का चरण। अब सुनते हैं सड़कों की कहानी। 55% गांव तक पहुंची थी सड़कें जब रफ्तार थी पुरानी, आज 91% गांव तक है पहुंच, और खुश हैं सब दादी और नानी। आज गांव गांव आधुनिकता का बल है, देश की हर ग्राम पंचायत डिजिटल है। पहले ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क था सिर्फ 360 किलोमीटर और आज है 3,48,000 किलोमीटर। आज देश की 1,28,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ चुके हैं मोदी। अरे इसीलिए तो परेशान है उनके विरोधी। बीते 5 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है ऐसा गजब का सुधार, यकीन ना हो तो दुनिया के किसी भी देश से कंपेयर करके देख लो मेरे यार।